now. चलिए जल्दी से हम वचन में जाएंगे इस वक्त. You know, the resurrection of Jesus. यीशु का पुनरुत्थान. I just want to talk to you a few minutes of that now. और कुछ पल के लिए मैं बात करना चाहूंगा इस पर अभी. You know, turn with me. निकालिए मेरे साथ. To the book of Matthew 16. मत्ती की पुस्तक में 16वां अध्याय. Matthew 16. मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय. Let's read from verses 1 to 4. और आइए पढ़ेंगे उसके पहले वचन से चौथे वचन में. You know, the resurrection of Jesus. देखिए यीशु का पुनरुत्थान. Why is it important? क्यों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है? Why is the resurrection of Jesus so important? और क्यों यीशु मसीह का पुनरुत्थान बहुत ही अहमियत वाली बात है? The resurrection of Jesus is important because you see, it validates Jesus whom he claimed to be. और देखिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इस बात का समर्थन करता है जो यीशु ने दावा किया था वो है. Hello, are you there? What I'm saying? It validates, in other words, it confirms Jesus to be who he said he was. और देखिए वो इस बात को सत्य साबित करता है कि जो यीशु ने दावा किया था दरअसल वही वो है. Jesus claimed to be the son of God. और यीशु ने दावा किया कि परमेश्वर का पुत्र है. Jesus claimed to be the Messiah. यीशु ने दावा किया था कि वो मसीहा है. One of the things that Jesus said, he says, I am a sign from heaven. और यीशु मसीह ने एक चीज भी ऐसा कहा कि मैं स्वर्ग से आया चिन्ह हूं. See, Matthew 16. मत्ती का 16वां अध्याय. Why is the resurrection important? और क्यों पुनरुत्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है? He says, then the Pharisees and the Sadducees came and testing him. They were not asking to know something. They were testing him and asked that he would show them a sign from heaven. और देखिए फरीसी और सदुकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए, देखिए कुछ जानने के लिए उन्होंने नहीं कहा, मगर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा. Yes, and it says he answered them and said to them. और वचन आगे कहता है उसने उनको उत्तर दिया. When it is evening, you say it will be fair weather and the sky is red. In the morning, it will be foul weather, for the sky is red and threatening. Hypocrites! और उसने आगे कहा, उसने उनको उत्तर दिया, शाम को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और सुबह को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है. तुम पाखंडी हो. You know how to discern the face of the sky, but you cannot discern the sign of times. और आगे ऐसा कहा, तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समय के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? You know, Jesus is saying that you know how to predict the weather. और देखिए यीशु मसीह ऐसे कह रहे हैं कि तुम मौसम का अनुमान लगा सकते हो. Tomorrow it will rain. और कल बारिश होगी. Tomorrow it will be hot. कल गर्मी होगी. There'll be a heat wave coming. People sending WhatsApp SMSs. और एक गर्म आंधी जैसी आएगी और लोग ऐसा लिखते हैं, SMS भेजते हैं. Drink more water. और ज्यादा पानी पीना. ड्रिंक वाटर. पानी पियो. नथिंग रॉन्ग. इसमें कोई खराबी नहीं है. बट गॉड इज सेइंग. मगर परमेश्वर कह रहा है. यू नो हाउ टू डिसर्न द टाइम्स द वेदर एंड ऑल दीस थिंग्स बट यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द स्पिरिचुअल रैम. और तुम जानते हो कि मौसम के बारे में या गर्मी के बारे में ये सब कैसे तुम पता लगा सकते हो? ये तुम्हें पता है, अनुमान लगाना तुम्हें पता है, मगर आत्मा के स्तर में तुम नहीं जानते हो. यू आस्किंग फॉर अ साइन. तुम चिन्ह के लिए मांग रहे हो. एंड हियर इज अ साइन दैट गॉड इज सेज आई एम गोइंग टू गिव यू. और यहां है वो चिन्ह जो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें देने जा रहा हूं. सो विकेड एंड एडल्टरस जनरेशन सीक्स आफ्टर अ साइन एंड नो साइन shall be given to them except the sign of the prophet Jonah. इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा. Jesus claimed himself to be a sign of the prophet Jonah. और हम देखते हैं यहां पर यीशु मसीह ने अपने आप को दावा किया कि स्वर्ग से आया वो चिन्ह है योना के समान. Say it after me. Jesus claimed. सभी लोग कहें. To be a sign from heaven. Hello, are you with me there? He says, I am a sign like the prophet, the sign of the prophet Jonah. और यीशु यहाँ पर कह रहे थे जैसे योना के चिन्ह के बारे में तुमने सुना, वैसे ही मैं स्वर्ग से आया चिन्ह हूँ. What is the sign of the prophet Jonah? और योना का चिन्ह क्या था? You see, Jonah, the prophet, was in the belly of the fish. We don't know what fish, but he was in the belly of the fish for 3 days and 3 nights. और हम देखते हैं भविष्यवक्ता योना जो थे एक मछली के पेट में, हमें नहीं पता कि किस प्रकार की वो मछली थी, कौन सी वो मछली थी, मगर 3 दिन और 3 रात तक भविष्यवक्ता योना उस मछली के पेट में थे. And the fish spits him out. और फिर उसके बाद ऐसा होता है कि वो मछली जो है उन्हें उगल देती है. Do you know, if you read the book of Jonah, actually Jonah died. आप जानते हैं अगर आप योना की पुस्तक में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि योना की दरअसल मृत्यु हो गई थी. Many people say, oh, Jonah was alive in the belly of the fish. But do you know something? In the belly of the fish, if you read properly, he says he died and God brings him back alive. Hello, are you with me right now? अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि योना की दरअसल मृत्यु हो गई थी और परमेश्वर से फिर से जिला देता है.
And he says, just as Jonah was in the belly of the fish, so shall be the Son of Man under the earth for 3 days and 3 nights, and he will be resurrected on the third day. और फिर यीशु ने कहा कि जैसे यूना मछली के पेट में तीन दिन और तीन रात तक था, वैसे मनुष्य का पुत्र है तीन दिन और तीन रात के धरती के नीचे रहेगा, फिर उसके बाद उसे पुनरुत्थान दिया जाएगा. My friends, मेरे दोस्तों, this sign of Jonah is not a mythological tale. और देखिए ये योना का चिन्ह जो है ये कोई कथा कहानी पर आधारित नहीं है. It's a historical tale. और ये ऐतिहासिक तथ्य है. Hello? You know, Jonah, the fish spat him out on a place called Nineveh. और हम देखते हैं योना को उस मछली ने उगल दिया था निनवे नामक जगह पे. That place Nineveh is in Iraq. और वो निनवे नामक जगह जो है वो इराक में है. There they built, the Ninevites built him a temple called that mosque. Later on the Muslims took it over. They call it the place of Jonah, Yona. और वहां पर उन निनवे के लोगों ने एक मंदिर बनाया था और योना का नाम उन्होंने उसे दिया. Hello, are you there, people of God? It's a historical thing. और ये ऐतिहासिक चीज है. The whole place turned to God. ओ, पूरी जगह परमेश्वर की ओर मुड़ गई. Because of this. इसके वजह से. So Jesus, he said, look like that. I am also a sign from heaven. और यीशु मसीह कह रहे थे, देखो उसके जैसा मैं भी स्वर्ग से आया हुआ चिन्ह हूँ. Somebody shout a hallelujah, please. चिल्लाए हालेलुया इस वक्त. You see, Jesus claimed himself to be a sign from heaven. आप देखते हैं यीशु ने खुद का दावा किया स्वर्ग से चिन्ह के रूप में. Go with me to the book of John, chapter 2, right now. और निकालिए हमारे साथ योहन्ना के दूसरे अध्याय में. I'll show you something quickly, please. और जल्दी से निकालिए इस वक्त. John chapter 2. I want you to open the Bible right now. और चाहते हैं कि बाइबल खोलें इस वक्त. John chapter 2, verses 18 onwards. योहन्ना का दूसरा अध्याय है उसके 18वें वचन से. 18 to 22, hurry up. जल्दी से निकाले 18वें वचन से. Jesus, he claimed himself to be bigger than the temple. और हम देखते हैं यीशु ने अपना दावा किया कि वो मंदिर से भी बढ़कर हैं. Why is the resurrection important? और क्यों पुनरुत्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है? You know, for the Jew, the temple is everything. और हम देखते हैं यहूदी लोगों के लिए मंदिर ही सब कुछ था. Hello? Hello, 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 hello. For them, their life revolves around the temple. और हम देखते हैं उनकी पूरी जिंदगी जो है उस मंदिर पर ही टिकी हुई थी. Hello? Today, the Jews are planning to build the third temple. और आज देखिए यहूदी लोग योजना बना रहे हैं ऐसे तीसरे मंदिर को बनाने की. And Jesus said something very powerful. और यीशु ने कुछ खास बात कहा. That really shook the Jews. जिसने उन यहूदियों को हिला के रख दिया. He said, "What are you talking about the temple?" और यीशु ने कहा, तुम क्या मंदिर के बारे में बोल रहे हो? I am greater than the temple. मैं इस मंदिर से भी बढ़कर हूँ. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो. See how? Wait, I'll show you. So this thing. The resurrection is important because if Jesus did not rise, that means he was a liar and he was lesser than the temple. But today, Jesus rose. Wherever Jesus is, that place becomes the temple. Hallelujah. हम देखते हैं अगर यीशु मसीह जी नहीं उठे होते तो यीशु मसीह झूठे कहलाते और मंदिर से भी उनका स्तर नीचे घट गया होता. मगर हम देखते हैं यीशु मसीह जिंदा हो गए और जहां कहीं भी यीशु मसीह उपस्थित हो जाते हैं वो जगह खुद ब खुद मंदिर बन जाती है. हेलो, जिते जिते देव आहे तो स्थान देवस्थान हमंता. समझ लो मैं क्या म्हणतो ते. जिथे देव नहीं है तिथे आम्ही काय बांधून काय फायदा है. बट ज्या जागी देव उभा राहतो त्याच जागेला देवस्थान म्हणतात. हॅलो, नाही समजलं मी काय म्हणतो ते. डू यू वॉन्ट, आई डोंट नो व्हाई आई एम स्पीकिंग मराठी. पता नहीं क्यों बोल रहे भाई मराठी. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर समबडी. किसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. यू सी, यू कैन कॉल दिस प्लेस दैट प्लेस गॉड गॉड गॉड्स हाउस. नो नो, इज गॉड ओवर देयर, वी डोंट नो. और कोई उस जगह को नाम दे सकता परमेश्वर, परमेश्वर का जगह है. क्या परमेश्वर वहां पर है? हमें नहीं पता. But Jesus said, I have told the Jews, he said, I am bigger than this temple that you claim to worship inside. और यीशु ने कहा कि मैं इस मंदिर से भी बढ़कर हूं जिसका तुम दावा करते हो कि वे आराधना करने की जगह है. Read this word. वचन को पढ़ें. John chapter 2. So the Jews answered and said to him, what sign do you show to us since you do these things? और इस पर यहूदियों ने उसे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? Now see the other sign. अब देखिए दूसरा चिन्ह. Verse 19. 19वां वचन. Jesus answered them and said. यीशु ने उनको उत्तर दिया. Destroy this temple. इस मंदिर को ढा दो. Hallelujah. Now they thought, अरे ये तो ये मंदिर का बात कर रहा है. Destroy this temple. इस मंदिर को ढा दो. And in 3 days I will raise it up. और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा. Hello. Now read verse 20. अब 20वें वचन में पढ़ें. See, they didn't understand. देखिए वो समझे नहीं. But he was speaking not of that temple. He was speaking of the temple of his body. और देखिए वो उस मंदिर के बारे में नहीं अपने देह के मंदिर के विषय में कह रहा था. And he was telling the Jews said to him, it has taken 46 years to build this temple and how can you raise it up in 3 days? My friend, please listen to me. Jesus
did what he said. Hallelujah. और देखिए यहूदियों ने कहा इस मंदिर के बनाने में 46 साल लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? दोस्तों जो यीशु ने कहा था उसे उसने कर दिखाया. Jesus clearly said, he says, look, he says, I'm bigger. What are you talking temple, temple? I'm this. You want a sign? I will show you a real sign. और यीशु मसीह कह रहे थे क्या तुम मंदिर मंदिर के बारे में बोल रहे हो? तुम्हें चिन्ह चाहिए? मैं तुम्हें दिखाता हूँ चिन्ह. Somebody say amen, church. कहे आमेन. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Friends. So Jesus' resurrection is not a mythological tale, it is a reality. हम देखते हैं यीशु मसीह का पुनरुत्थान ये कोई कथा कहानी नहीं है, पौराणिक कथा नहीं है, मगर ये हकीकत में हुई घटना है. You see all these healings taking place, these miracles taking place, it is not a man, it is the Lord working amongst us. और देखिए चंगाइयां जो छुटकारा होने लगता है ये किसी इंसान का काम नहीं, ये प्रभु खुद ब खुद हमारे बीच में काम करता है. Every meeting something is happening. हर एक सभा में कुछ ना कुछ खास होता है. So many testimonies. बहुत सारी गवाहियां. So many things happening. चीजें होती हैं. And in the coming days, more things will begin to happen in Jesus' name. आने वाले दिनों में से भी ज़्यादा चीजें होंगी यीशु के नाम में. You will not understand what is happening. आप नहीं समझ पाएंगे क्या हो रहा है. I prophesy. मैं भविष्यवाणी करता हूँ. In this week, you will testify. इस हफ्ते में आप गवाही देंगे. I speak it over your life. आपकी ज़िंदगी में बोलता हूँ. Your testimony will bring glory and honor to God. आपकी गवाही परमेश्वर का आदर और महिमा लाएगी. It will turn many to Jesus. बहुत सारे लोगों को यीशु के मोड़ देगी. Hallelujah. बोलिए हालेलुया. Lift your hand and say, thank you, Lord, I receive. Hallelujah. अपने हाथ लगा बोले धन्यवाद प्रभु मैं ग्रहण करता हूँ. Hallelujah. I receive in Jesus' name. बोले मैं ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम में. So the first thing, church. तो पहली चीज कलीसिया. It validates. Everyone say it validates. ये इस बात को सत्य साबित करती है. That Jesus claimed to be who he was. कि यीशु ने जो दावा किया था कि वो है वही वो है. Another reason for the resurrection of Jesus, it's important. The reason is this. और एक वजह कि यीशु का पुनरुत्थान अहमियत वाली बात है वो ये है. It proves his sinless character. वो उसके निष्पाप चरित्र को साबित करती है. It proves that Jesus was of a sinless character. और ये यीशु मसीह के निष्पाप चरित्र को साबित करती है. Hello. Say how it proves that Jesus is sinless character. कैसे ये साबित कर सकते हैं कि यीशु का निष्पाप चरित्र? You know the Jews, they believed in the prophetic scriptures. और हम देखते हैं यहूदी लोग जो है भविष्यवाणी के वचनों में विश्वास करते थे. How many listening right now? कितने सुन रहे हैं? Go with me to the book of Psalm 16 right now. निकालिए भजन संहिता का अध्याय 16 में. Psalm 16. भजन संहिता अध्याय 16. Psalm 16 and verse 10. उसके 10वें वचन में. Many years ago. कई साल पहले. Hundreds of years ago. सदियों पहले. A prophet comes and prophesies about these things. और एक भविष्यवक्ता आके इन चीजों के बारे में भविष्यवाणी करते हैं. Now listen to me. सुनिए. Go with me to Psalm 16 and verse 10. भजन संहिता अध्याय 16 उसके 10वें वचन. For you will not leave my soul in Sheol. Sheol is another place for the dead. क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा. अधोलोक जो है मृत लोगों के लिए एक दूसरी जगह है. हेलो. मृत लोग की जगह को शेओल कहते हैं. There are many words in the Greek and the Hebrew language. I'll talk about this someday. और यूनानी और इब्रानी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं इसके बारे में. Okay, please listen carefully. ध्यान से सुनिए. And you will not leave my soul in Sheol, nor will you allow your holy one to see corruption. See, when we die, our body decays. Yes or no? और देखिए तू मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा और न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा. देखिए जब हम मर जाते हैं तो हमारा शरीर जो है वो सड़ने लगता है, गलने लगता है. All the holy men that came in this world, और इस दुनिया में वे सभी पवित्र जन जो आए, their body corrupted. उनका शरीर सड़ गया. हेलो. Slowly or fast it corrupted. और तेजी से हुआ या धीमे धीमे हुआ, मगर हुआ. ए, हो गया कि नहीं? Their body corrupted. उनका शरीर सड़ गया. Whether it was Elisha, चाहे वो एलिशा हो, एनीबॉडी इन इंडिया और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, चाहे भारत देश में या कहीं भी दुनिया में, हम नहीं अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कितना समझ गए जो मैं कहना चाहता हूं. बट हियर डेविड इज सेइंग, मगर यहां दाऊद कह रहा है, योर नॉर विल यू अलाउ गॉड, यू विल नॉट अलाउ योर होली वन टू सी करप्शन. तू इजाजत नहीं देगा कि तेरे पवित्र भक्त जो है वो सड़े. पवित्र भक्त, होली वन, एवरीवन से होली वन, सब लोग पवित्र जन. Who was that holy one? और वो पवित्र भक्त यानी पवित्र जन कौन है? Jesus. वो है यीशु. It was Jesus. यीशु. He's saying, Lord, you will not allow his body to be corrupted. और वो ऐसा कहता है कि प्रभु तू इजाजत नहीं देगा कि उसका शरीर जो है सड़ जाए. See one verse 11 right now. अब आगे देखें. Now this was not prophesied during the time of Jesus. It was prophesied hundreds of years ago. और देखें यीशु के समय काल में इस बात की भविष्यवाणी नहीं हुई थी, मगर यीशु के आने से सैकड़ों साल पहले ये भविष्यवाणी हुई. हेलो. तुम तुम्हारे जो पांचवे छठे सातवें आठवें पोते के बारे में तुम लिख रहे हो जो आपने कभी देखा भी नहीं. कितने लोग समझ रहे हैं? जरा सोचिए ना. See further he writes, you will show me the path of life, speaks about the resurrection.
तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाए, पुनरुत्थान के बारे में बताता है। Your presence is fullness of joy. How can a dead man see life? It speaks about the resurrection. तेरे निकट आनंद की भरपूरी, कैसे एक मुर्दा जो जीवन को देख सकते हैं, पुनरुत्थान के बारे में बता रहा है। Right hand are pleasures forevermore. The Bible says Jesus sat at the right hand of the Father. तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, और बाइबल ऐसा कहते हैं कि यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे। Peter when Stephen was being stoned, he told the Jews, he says, I see heavens opened and I see Jesus seated at the right hand of power. और जब स्टीफन को मारा जा रहा था, उसने यहूदियों से कहा कि मैं स्वर्ग खुलते हुए देख रहा हूं और यीशु मसीह को पिता परमेश्वर के दाहिने और बैठा हुआ देख रहा हूं। My friend, मेरे दोस्तों, the resurrection proves that Jesus lived a holy life and he was the holy one without corruption. The resurrection proves that he is indeed the holy one. Lift your hands and say yes Lord. Hallelujah. जो इस बात को साबित करता कि यीशु मसीह परमेश्वर के पवित्र जन थे और उनका शरीर सड़ने नहीं पाया, और पुनरुत्थान इस बात को साबित कर देती है। Praise the Lord. Hallelujah. Come on, somebody say praise the Lord. So the second reason the resurrection is important because it validates his character, his sinlessness. तो हम देखते हैं दूसरी बात पुनरुत्थान के बारे में, वह जो है यीशु मसीह के चरित्र के बारे में, उसके निष्पाप चरित्र के बारे में सत्यता को साबित करती है। Are you with me? क्या आप साथ में हैं? Church, कलीसिया। बोले हरे अधिकार की शक्ति against me and my family, मेरे बड़े परिवार के खिलाफ में cut off in Jesus name, काट डाली जाए यीशु के नाम, we are rooted in Jesus name, काट दिया जाए यीशु के नाम, every poverty leave my life, हरे गरीबी मेरी जिंदगी से निकल जा in Jesus name, यीशु के नाम में, me and my family members, मैं मेरे परिवार के लोग prosper prosper prosper, समृद्ध 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 बने for the glory and honor of Jesus, यीशु की महिमा और आदर के लिए in Jesus name, यीशु के नाम में, somebody shout a biggest hallelujah for the glory of God, कोई तो चिल्लाए हालेलुया परमेश्वर की महिमा के लिए। Lord, we just thank you for the people who are watching right now. Lord, I thank you for healing people. Touch your ears. Your ears will hear the voice of God. Your ears are healed in Jesus' name. Holy Spirit, move upon your people. May God give you direction for you and your family members. परमेश्वर आपको और आपके परिवार के लिए मार्गदर्शन दे। In the name of Jesus, यीशु के नाम में। May the Lord hold your hand right now. प्रभु आपके हाथ थाम ले इस वक्त। Hallelujah. Say Lord, heal my relationships. बोले प्रभु मेरे संबंधों को अच्छा कर दे। Relationships in my family members. मेरे परिवार के लोगों का संबंध। Remove that confusion. गड़बड़ी को निकाल दे। Between family members. परिवार के लोगों के बीच में से। Between brothers and sisters. भाई बहनों के बीच में से। Between the people in the house. घर में के लोगों के बीच में से। Confusion go. वो गड़बड़ी जा। I command the confusion go. आदेश है गड़बड़ी को जा। Hallelujah. Receive that peace. उस शांति को पा लीजिए। Receive that peace in your family. उस शांति को पा लीजिए अपने परिवार में। Somebody shout hallelujah. कुछ चिल्लाएगा हालेलुया। Between brother and brother. Between sisters and brothers. भाई और भाई के बीच में, भाई और बहन के बीच में शांति आए। Oh, receive that peace right now. उस शांति को पा लीजिए इस वक्त। Oh yes, hallelujah. Every power of darkness, pray with me. हर एक अंधकार की शक्ति प्रार्थना करें मेरे साथ। Disturbing my peace. जब मेरी शांति में खलल आती है। Cut off in Jesus' name. काट डाली जाए यीशु के नाम। Lord, you are Jehovah Shalom. प्रभु तू यहोवा शालोम है। You said peace, I leave with you. तूने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दे जाता हूँ। Let peace come in every relationship. और शांति आए हर एक संबंधों में। Let peace come in every family. शांति आए हर एक परिवार में। Let peace come in their neighborhood. शांति आए इनके पड़ोसियों में। In Jesus' name. यीशु के नाम। Raise your hand and pray. Raise your hand and pray. चले अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना प्रार्थना करेंगे। From today onwards, your sleep will be peaceful. आज के दिन से आपका सोना नींद जो है शांति से होगा। You will eat the bread of peace, not the bread of affliction. और पीड़ा की रोटी नहीं मगर शांति की रोटी आप खाएंगे। I speak peace in your workplace.
आपके कार्यस्थल में मैं शांति बोलता हूँ. I pray that you find favor with your authorities in Jesus' name. मैं प्रार्थना करता हूँ अपने अधिकारियों के साथ आप पर भलाई होए. Lift your hand and say favor of the Lord. अपने आदमी बोलिए प्रभु की भलाई. Your business, your work will find favor in the eyes of your authorities, in the eyes of your customers. Raise your hand and say, I receive the favor of God. आपके व्यवसाय में, आपके ग्राहकों के बीच में शांति आएगी. अपने हाथों में बोलिए मैं प्रभु की भलाई ग्रहण करता हूँ. Speak in tongues. Look at my face, lift your hand and speak in tongues. Lift your hands and say, Father. अपने हाथों लगा बोलिए पिता. I surrender my life to you. मेरी जिंदगी मैं तेरे हवाले करता हूँ. Wash me in your blood. तेरे लहू में मुझे धो ले. Come on, lift your hand. चलिए चलिए अपने हाथ उठाएंगे. I surrender my spirit, my soul, and my body to you, Jesus. Come on, raise your hand. अपने हाथ उठाइए बोलिए मैं अपने आत्मा, अपने प्राण, अपने शरीर को यीशु तेरे हवाले करता हूँ. Close your eyes and say the blood of Jesus. अपनी आंखें बंद करके बोलिए इस वक्त यीशु का लहू. Just keep on saying the blood of Jesus. बोलते रहे यीशु का लहू. Every dirtiness leave your body now in Jesus name. अरे गंदगी आपके शरीर से निकल जाए अभी यीशु के नाम. All those dirty dreams, those dirty spirits leave you now. वे सभी गंदे सपने, गंदी आत्माएं आपको छोड़कर चली जाएं अभी. Raise your hand and say the blood of Jesus. अपने हाथ उठाकर बोलिए यीशु का लहू. That dirtiness attacking you is leaving you right now. वो गंदगी जो आप पर हमला कर रही थी जा रही अभी. That evil that is attacking you will leave now. वो शैतानी चीजें जो आपको सता रही थी वो आप पर हमला कर रही थी निकल रही है. Raise your hand and say the blood of Jesus. अपने हाथ उठाकर बोलिए यीशु का लहू. Every dirty habits leave you now. अरे गंदी आदत निकल के जाए अपनी. Raise your hand, say blood of Jesus. अपने हाथ उठाइए बोलिए यीशु का लहू. That dirty habits leave you now. वो गंदी आदत आपको छोड़ के जाए अभी. Holy Spirit come upon your people. लोगों पर आ जा. फ्लो इन देयर बॉडीज राइट नाउ. बहने लग इनके शरीर में. रिसीव दैट अनॉइंटिंग राइट नाउ. उस अभिषेक को ले लीजिए इस वक्त. से लॉर्ड बोलिए प्रभु. आई वांट टू लिव फॉर यू. मैं आपकी खातिर जीना चाहता हूँ. लिफ्ट योर हैंड्स. अपने हाथ उठाइए. सरेंडर योर बॉडी टू द लॉर्ड. अपने शरीर को प्रभु के हवाले करेंगे. योर बॉडी इज द टेंपल ऑफ द होली स्पिरिट. आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है. योर बॉडी विल नॉट बी यूज्ड फॉर डर्टी थिंग्स. आपके शरीर को गंदी चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. Now raise your hand. अब अपने हाथ उठाइए. Say Holy Spirit. बोले पवित्र आत्मा. Fill me now. मुझे भर दे अभी. Lord, let your healing power flow. कोई तो अपना मुंह खोल के बोले प्रभु तेरी चंगाई का साथ बहे. Every sickness. हरे बीमारी. Every disease. हरे रोग. Every infirmity. हरे दुर्बलता. Every pain. हरे दर्द. Every infection. हरे संक्रमण. I command you out. मैं आदेश दे बाहरा. Command it out right now. आदेश दे भाजे बाहरा निकी. Command that sickness out of your body. उस बीमारी को आदेश दे आपके शरीर से बाहर जाने की. Lord, touch their family members wherever they are. प्रभु इनके परिवार के लोगों को छू ले जहां कहीं भी वे हैं. Let the paralytics be healed. लकवा के रोगी चंगे हो जाएं. Let the people on the bed in the hospitals be healed. और जो लोग अस्पतालों में हैं, घर में बीमार पड़े हुए हैं, चंगे हो जाएं. Conceive a child, receive that anointing right now. एक बच्चा देख रहे ग्रहण करें इस वक्त अभिषेक को. In Jesus name. यीशु के नाम में. Your bodies be healed. आपका शरीर चंगा हो जाए. Open your mouth and say, Lord, heal us right now. अपना मुंह खोल के बोलिए प्रभु मुझे चंगा कर दे इस वक्त. Jesus heal your people, oh God. यीशु तेरे लोग चंगा कर इस वक्त. You are God who forgives our sins. तू वह परमेश्वर जो हमारे पाप क्षमा कर देता है. Heals your people, oh Lord. तेरे लोग चंगा कर दे प्रभु. In Jesus name. यीशु के नाम में. In Jesus name. यीशु के नाम में. I give you the glory and the praise. मैं आपको महिमा और स्तुति देता हूँ. In Jesus name. यीशु के नाम में. Touch your people now. They will touch you now. Hallelujah. Every darkness, leave the people in Jesus' name. हर एक अंधकार लोगों छोड़ के चला जाए यीशु के नाम में. Lift your hands and say Hallelujah. अपने हाथ उठाइए बोलिए Hallelujah. Touch your people, चलो वो छूले, चलो वो छूले. Somebody say Jesus. कोई कहेगा यीशु. Hallelujah. Receive your breakthrough now. अपने आशा को ग्रहण कर लीजिए अभी. You are God. तू प्रभु है. You are holy. तू पवित्र है. You are the risen Lord. तू ही पुनरुत्थित प्रभु है. We ask you for miracles today. हम आपसे आशा मांगते हैं आज. Lift your hand and say, God of miracles. अपने हाथ लगा बोलिए आशा करने वाला परमेश्वर.
blessed, lift your hand and shout, oh God of miracles. अपने आदमी चिल्लाइए परमेश्वर आशम करने वाला. Do miracles in my life. मेरी जिंदगी में आशम कर. Samson from Malad. एक नाम सिसिलिया सैमसन आई है मलाड से. Her visa was rejected two times. इनका वीजा दो बार ठुकराया गया था. It was very difficult for her to get a visa because of change of rules. और क्योंकि नियम कायदे कानून बदल गए थे उसकी वजह से इन्हें वीजा मिलने में बहुत मुश्किल आ रही थी. Three weeks back, she gave her prayer request at Karuna Sadan. तीन हफ्ते पहले इन्होंने करुणा सदन सेवकाई में अपनी प्रार्थना कर दिया. And today she got her visa. और आज इनको इनका वीजा मिल गया है. Today. Today, on Sunday, it was from the ministry, it was from the LMR, it was on Friday, but I was waiting for the today because it is closed Friday, Saturday. I know. Sunday, the ministry is open. Sunday, ministry is open? Yeah, so I told my husband, I got the visa, won't give me the answer. He said, you got the visa. I said, I'm going to the church now, on my way. So, wow. I will give the testimony. Bless the Lord, hallelujah.